कैसा होगा मध्य प्रदेश का रण? क्या मामा बचा पाएंगे कुर्सी या कमलनाथ की होगी वापसी? क्या है चंबल संभाग का मूड? क्या फिर से महाराज बन पाएंगे किंग मेकर? नेताओं के वादे, जनता के इरादे। प्राइम न्यूज 24 ला रहा है मध्य प्रदेश के उपचुनाव पर विशेष कार्यक्रम खास मुलाकात। नमस्कार, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मध्य प्रदेश में चुनावी भंवर में मचा घमासान, कौन होगा किस क्षेत्र में भावी प्रत्याशी, जिसके लिए खास मुलाकात कार्यक्रम में आज प्रदेश ब्यूरो की सर्वे रिपोर्ट में जाने गोहद विधानसभा, महगांव विधानसभा का हाल। किसकी होगी जीत, जनता की क्या है राय, कौन होगा आने वाले समय में कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी का विधायक? गोरमी से ब्यूरो इमरान अली खान के साथ कुछ खास रिपोर्ट। जहाँ तक हम बात कर रहे हैं खास मुलाकात में, तो आज हमारे बीच में मोहम्मद अनीस कुरैशी बैठे हुए हैं, जो कि आज यहाँ जिले से सचिव का पद कांग्रेस पार्टी से पद आसीन हैं। और अनीस कुरैशी की अगर हम बात करते हैं तो इनके पिता भी कांग्रेस पार्टी में एक अच्छे पद पर थे और उन्होंने एक अच्छी कार्यकर्ता की भूमिका भी निभाई थी। जहाँ हम बात करते हैं तो किरण कुरैशी एक ऐसा नाम है जिस नाम को यहाँ जनता भुला नहीं सकती। कारण यही है कि वो एक अच्छे पार्षदों में गिनती गिनी जाती थी और कांग्रेस पार्टी के एक भरकस और अच्छे वो कार्यकर्ता थे, जिन कार्यकर्ताओं की नीति यही थी कि निश्चित है कि हम कांग्रेस पार्टी को आगे उच्च स्तर तक बढ़ाएंगे। यहाँ आज हमारे बीच में मोहम्मद अनीस कुरैशी बैठे हुए हैं। अनीस जी, जहाँ हम बात कर रहे हैं उपचुनाव की नीति को लेकर, जहाँ एक उपचुनाव चल रहा है जिसमें गोहद और महगांव का विशेष उपचुनाव में रणनीति बनाई जा रही है कि आखिर कांग्रेस पार्टी को फतेह कैसे हासिल होगी, भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से उस फतेह पर खरा मुकाम हासिल करेगी, तो क्या मानते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है उस कांग्रेस पार्टी को किस प्रकार से और अधिक तैयारियां करना है? नाम एक प्रत्याशी का निकल कर सामने आ रहा है कि मिर्ची बाबा के माध्यम से एक सुश्री संजू गजराज सिंह का भी नाम शामिल किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी में, क्या ये स्वाभाविक है? ये तो सब आले कमान के ऊपर रहेगा निर्भर। वैसे जहाँ तक कि महगांव की बात है तो महगांव में एक ही नाम है, चौधरी राकेश सिंह जी, दूसरा कोई विकल्प है नहीं है जी। और जहाँ तक है चौधरी साहब का टिकट फाइनल हो चुका है, चौधरी साहब का टिकट फाइनल महगांव से हो चुका है। रही बात गौद की, तो गौद थोड़ा असमंजस में चल रही है। संजू गजराज का भी नाम है लेकिन अभी आला कमान ने तय नहीं किया है। वैसे जहाँ तक का सवाल है, फूल सिंह बढ़ रही है और देवाशीष जरारिया का नाम फाइनल हो जाएगा। फूल सिंह बरैया, देवाशीष जरारिया मैदान में उतर सकते हैं। संजू गजराज का जो नाम चल रहा है, क्या संजू गजराज का नाम कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचने के बाद हटाया भी जा सकता है? नहीं, अभी ऐसी कोई सुनने में ऊपर तो कोई खबर नहीं आ रही। जनता तक ये मैसेज पहुंचाए जा रहे हैं कि संजू गजराज कांग्रेस पार्टी, अभी ये पार्टी आला कमान के ऊपर निर्भर करेगा, लेकिन हमारे कानों में जो खबर है वो मैंने आपको बता दी, फूल सिंह बरैया और देवाशीष जरारिया। फूल सिंह बरैया और देवाशीष जरारिया। तो जहाँ बात कर रहे हैं हम गोहद के और महगांव के उपचुनाव में, तो इस गोहद और महगांव के उपचुनाव में फतेह कांग्रेस को हासिल कैसे मिलेगी, क्या रणनीति? बिल्कुल, हर कार्यकर्ता और पूरी कांग्रेस एकजुट है और अब कोई गुटबाजी नहीं। जहाँ तक कि सवाल सिंधिया जी का था, सिंधिया जी का ये निजी फैसला था, चले गए, और जो कार्यकर्ता कांग्रेस में है वो पूरी पुरजोड़ मेहनत से कांग्रेस के साथ लगा हुआ है और आगामी उपचुनाव में पार्टी को फतेह हासिल कराएगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नीति क्या रहेगी कि आखिर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की हम बात करते हैं तो कई प्रकार के पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी में आसीन हैं और वो अपने सिपाहियों के माध्यम से जनता के बीच में अपनी नज़दीकियां बना रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का किसी भी प्रकार से ये मत निकल कर सामने नहीं आ रहा है कि आखिर कांग्रेस कैसे जनता के बीच में अपनी असमंजस बैठा। जनता ने अभी तक जो भी हमारे विधायक जी चुने थे तो जनता ने कांग्रेस पार्टी को देख कर ही वोट दिया था। अब वो विधायक कुछ पैसे के लालच में, कुछ पद के लालच में इधर उधर भाग गए हैं, तो जनता सब समझ चुकी है और आगामी उपचुनाव में पार्टी को एक अच्छी जीत और बढ़िया जीत मिलेगी। अनीस जी, मानते हैं कि आपका परिवार एक यहाँ कांग्रेस पार्टी के घराने से जुड़ा है, कांग्रेस पार्टी आपके घर से ही चल रही है, ये मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के आप एक अच्छे कार्यकर्ता हैं, आपका मत क्या मानता है, क्या कांग्रेस पार्टी बम्पर जीत होने वाली है या कांग्रेस पार्टी की दोनों विधानसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाएंगे? अभी तो ये कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जहाँ तक सवाल है चंबल संभाग में कांग्रेस का अच्छा बहुमत रहेगा। अच्छा बहुमत रहेगा,
तो जहाँ तक दर्शकों हम बात कर रहे थे यहाँ अनीस कुरैशी से, जो कि यहाँ जिले से सचिव हैं, और सचिव होने के नाते निश्चित तौर पर उन्होंने जो बात रखी है, एक तरफ देवासी जरारिया का नाम है और दूसरी तरफ नाम उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से अगर यहाँ हम फूल सिंह बरैया की बात करते हैं तो फूल सिंह बरैया पहले भी पार्टी अपनी बना चुके थे, उन्होंने अपना अच्छा वर्चस्व उसमें भी दिखाया था। तो निश्चित है कि अब कांग्रेस पार्टी को और भी अधिक मेहनत करना है, जिस मेहनत में भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं उन प्रत्याशियों के निश्चित ही दांत खट्टे हो सकते हैं। चुनावी रणनीति, चुनाव की नीति की अगर हम बात करते हैं तो निश्चित है कि जिस प्रकार से चुनाव की एक रणनीति बनाई जाती है तो उस रणनीति में कहीं ना कहीं प्रत्याशियों को खोजा जाता है और उन प्रत्याशियों की उनकी स्वयं की एक परिकाष्ठा भी देखी जाती है कि आखिर इन प्रत्याशियों के द्वारा जनता के बीच में किस प्रकार से एक दूसरे को सम्मानित किया गया है। जनता निश्चित तौर पर उसी नेता को पहचानती है जो नेता उनके हमेशा दुख में साथ देते हैं। जहाँ बात करें तो यहाँ आज हमारे बीच में राजू श्रीवास मौजूद हैं, जिनके द्वारा विशेष दोनों तरफ भ्रमण किया गया है, एक तरफ मेहगांव विधानसभा उपचुनाव, दूसरी तरफ गोहद विधानसभा उपचुनाव। इन दोनों विधानसभाओं के बीच में विशेष राजू का क्या कहना है, क्या इन्होंने खोजा है, कहाँ तक इनका मानना है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का चुनाव होगा, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी को आगे बढ़त दिलाएगी और कैसे किस प्रकार से वहाँ पर चुनाव स्वाभाविक संभव हो सकता है, बताएं राजू भाई। जहाँ हम बात कर रहे हैं आपके गोहद के उपचुनाव की और बात कर रहे हैं हम मेहगांव के उपचुनाव की, ये उपचुनाव दोनों तरफ होना है, इस उपचुनाव में क्या लग रहा है आपको, किस प्रकार से प्रत्याशी करेक्ट किए जा रहे हैं? तो मेरा तो मानना यही है कि देखो मेहगांव के अंदर OPS भदौरिया जी जो मंत्री के पद पे आसीन हुए हैं जी, और इधर राकेश चौधरी का जी भी टिकट होना अभी चल रही है, चल रही है परिक्रमा, और गोहद से तो ये संजू गजराज जी ये प्रत्याशी बहुत हल्का नज़र आता है जी। तो चौधरी साहब का भी टिकट देखो होता है तो चुनाव में बहुत मतलब अच्छा टिपिकल यानी कि टक्कर का चुनाव मानते हैं कि मेहगांव के अंदर मेहगांव पार्टी और कांग्रेस का चुनाव टक्कर का मानना है जी, मेहगांव गोहद का चुनाव भारतीय जनता पार्टी का और अगर संजू गजराज का अगर टिकट होता है तो एक तरफा चुनाव होगा मतलब जीत किसकी हासिल हो सकती है उसमें, भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस? भारतीय जनता पार्टी यानी कि जो जनता का मत है, जनता जो अभी रिझा रही है, जनता का सोचना ये है कि शायद ही गजराज सिंह संजू कांग्रेस पार्टी में आने के बाद बाजी मार सकते हैं, ऐसा कहां तक दिखाई देता है? नहीं 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 ये तो काफ़ी दूर है भाई, आपने जनता का तो के मानना यही है कि भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी और मेहगांव में अगर राकेश चौधरी का टिकट होता है तो कांटे की टक्कर होगी यानी कि दोनों तरफ से अगर देखा जाए तो एक तरफ पलरा भारतीय जनता पार्टी का भारी दिखाई दे रहा है जी, भारतीय जनता पार्टी। आपने भ्रमण भी किया होगा गोहद में, मैंने मेहगांव गोहद भ्रमण किया है, निरंतर तीन माह से आप बराबर घूम रहे हैं इस उपचुनाव की तैयारियों को लेकर, विशेष तैयारियाँ जो ग्रामीण अंचल के अंदर लोगों की देखी गई हैं, उन गाँव के लोगों का क्या कहना है? गाँव के लोगों में यही चर्चे है भारतीय जनता पार्टी का ज़्यादा उचित विकास बताया गया है जी, और काम भी किया है भारतीय जनता पार्टी ने जी, और भारतीय जनता पार्टी की जीत भी हो सकती है यानी मानते हैं यहाँ हो सकती है। तो यहाँ तक हम बात कर रहे हैं, यहाँ राजीव श्रीवास ने खुद इस बात को विषय पर बताया, हालांकि हम ये आपसे इस विषय पर भी चर्चा करना चाहेंगे कि जो जनता के बीच में आता है, निश्चित है कि जनता के बीच में असमंजस बनाना, जनता के बीच में मुकाम हासिल करना, ये एक राजनेताओं का कर्तव्य होता है। राजनेता अगर जनता की छोटी छोटी समस्याओं को लेकर, छोटी छोटी बातों को लेकर अगर निश्चित है कि अपने मत रखते हैं तो वहाँ विजय प्राप्त होती है। हम बात करें भिंड विधानसभाओं की, तो भिंड विधानसभाओं में एक ऐसी विधानसभा भी है जिस विधानसभा में निरंतर 6 बार बराबर से विधायक बनते चले आ रहे हैं, जिनका नाम डॉक्टर गोविंद सिंह कहा जाता है और आज उनको सम्मानीय माननीय मंत्रियों में भी गिनती गिनी जाती है। डॉक्टर गोविंद सिंह की बात करें तो वहाँ लहार क्षेत्र में
उनके मुकाबले में कई प्रकार से प्रत्याशी तो खड़े होते हैं लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाते, तो निश्चित है कि उपचुनाव की रणनीति यहाँ गोहद की निश्चित तौर पर लाहौर से भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। रौन विधानसभा और साथ ही महगांव विधानसभा, इस विधानसभाओं में जो एक संघर्ष देखा जा रहा है वो संघर्ष कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का है, और ऐसे में अगर पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह का टिकट होता है तो निश्चित तौर पर एक कांटे की टक्कर नजर आएगी। लेकिन गोहद के अंदर जिस प्रकार से चुनाव में एक प्रत्याशी को अभी से बताया जा रहा है कि शायद ही संजू गजराज सिंह का नाम सामने आ रहा है, तो निश्चित है कि वहाँ प्रत्याशी अभी जनता की नज़र में खड़ा नहीं उतर पा रहा है। जनता भी अभी भी उस प्रत्याशी को मानने से इनकार कर रही है। तो विशेष खास मुलाकात में आज के इतना ही, जिसके बाद ही आपको आगे के अन्य एपिसोडों में दिखाया भी जाएगा। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24/7 और आज आपका स्वागत है इमरान अली खान के साथ, जहां मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से चुनावी रणनीतियां चल रही हैं, उपचुनाव को लेकर कई प्रकार के नेताओं के बयान जारी हो रहे हैं, तो निश्चित है उन नेताओं के बयान की क्या प्रतिक्रिया है। इन प्रतिक्रियाओं के बीच में आज हम आपको गोरमी से जोड़ रहे हैं, जिस गोरमी में हमारे संवाददाता मुन्ना खान ने विशेष एक रिपोर्ट तैयार की है। उस रिपोर्ट में बताया गया है कि एक तरफ उपचुनाव चल रहा है और उस उपचुनाव में जिस प्रकार से रणनीति एक तरफ कांग्रेस पार्टी और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की देखी जा रही है, तो आखिर इस रणनीति में क्या होगा विशेषकार और किस प्रकार से जनता को लुभाएंगे लोग, इस विषय पर भी हम आपको आज अवगत कराएंगे। जहाँ तक हम बात करें, जिस प्रकार से हमारा देश और हमारे पूरे ही मध्य प्रदेश में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की लहर दौड़ रही है, वहीं कांग्रेसी नेता भी अभी अपने संपूर्ण तरीके से बिसात बिछाने में लगे हुए हैं। कांग्रेस का मानना है कि अब की बार उपचुनाव में निश्चित है कि उनकी जीत होना है, लेकिन इस जीत का असल हकदार और असली जिम्मेदार कौन होगा? आपको चुनावी चौपाल के कुछ लोगों से, यहाँ के कुछ ग्रामीण लोगों से आपको अवगत कराता हूँ और हाल जानते हैं कि चुनावी मामलों में क्या हाल चल रहा है। आज जहाँ एक तरफ कांग्रेस और बीजेपी ने, दोनों लोगों ने कमर कस ली है, चुनाव मैदान में उपचुनाव होने वाला है, क्या लगता है आपको? जहां बीजेपी की लहर चल रही है वहां क्या, और कांग्रेस ने भी पूरी कमर कस ली है, कौन सी पार्टी दांव मारेगी, क्या लग रहा है आपको? बीजेपी मारेगी। किस, क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको कि बीजेपी दांव मारेगी? बीजेपी को या फिर कुछ चले रहा होगा, सरकार चले रहा होगा, अच्छा आपको मालूम है बीजेपी के प्रत्याशी कौन है? बीएओपी। अच्छा, वो चुनाव जीतेंगे? बिल्कुल। अच्छा, जहां एक तरफ चुनावी वेला चल रही है और कांग्रेस और बीजेपी ने, दोनों पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है चुनाव के लिए, वहीं अपन जानते हैं चुनावी चौपाल में लोगों से जानते हैं लोगों का क्या सुझाव है। आप आज जहां चुनावी माहौल चल रहा है और एक दूसरे बीजेपी और कांग्रेस को, बीजेपी को जहां ऐसा लग रहा है कि हमारी लहर चल रही है और कांग्रेस को लग रही है कि वो दाव मार देगी, आपको क्या लग रहा है दोनों पार्टियों में से कौन दाव मार सकता है? देखो, कांग्रेस ने एक मौका दिया था, बहुत अच्छा मौका दिया था। अब जो आदमी पार्टी छोड़ करके चला गया, जिसे उस पार्टी से कोई संबंध नहीं रहा, जब वो पार्टी छोड़ के चला गया तो हम लोगों का भी कोई मतलब उसके साथ में नहीं, हम तो कांग्रेस ही हैं, कांग्रेस के साथ में रहेंगे। कांग्रेस जहाँ रहेगी वहाँ हमारा मत रहेगा, हम उसके साथ में हैं। हर प्रयास को हमारा ये रहेगा कि कांग्रेस की जीत हो, कांग्रेस को सीट। आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस बाजी मार सकती है? कांग्रेस बाजी क्यों नहीं मार सकती है? कांग्रेस का स्टैंड जो है अभी इतना कमजोर नहीं है। कांग्रेस अपना प्रत्याशी भी अपना घोषित नहीं कर पा रही है, प्रत्याशी नहीं मिल रहा कांग्रेस को। प्रत्याशी तय है, समय आने पर घोषित किया जाएगा। कितना समय और लगेगा, जब चुनाव बिल्कुल होने लगेगा तब प्रत्याशी आएगा? नहीं, अभी काय को होने लगेगा, अभी तो बहुत लंबा टाइम है, आज नहीं हो रहा चुनाव जो है। तो आपको लगता है कि कांग्रेस की जीत? कांग्रेस की जीत सुनिश्चित है। ये ग्रामीण कुछ और खड़े हुए हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं क्या, जिस तरह कांग्रेस के लोग दावा कर रहे हैं कि हमारी कांग्रेस की जीत निश्चित है, क्या लगता है आपको, जिस तरह बीजेपी की लहर आज चल रही है, क्या लगता है आपको बीजेपी चुनाव जीत सकती है? बिल्कुल जीतेगी, बीजेपी चुनाव जीतेगी, लहर है और चल रही है, चलती रहेगी। तो कांग्रेस का जो, बीजेपी का जो प्रत्याशी आज ओपीएस भदौरिया है, क्या लगता है आपको ये बाजी मारेंगे? क्यों नहीं, उसको बुक कर दो। इन लोगों का कहना है कि बीजेपी जीतेगी,
आपका क्या कहना है, क्या बीजेपी चुनाव जीतेगी कि कांग्रेस दांव मारेगी? कांग्रेस चुनाव जीतेगी और हाल में चुनाव जीतेगी। जो 15 महीना की सरकार कमलनाथ का काम था वो सबको अच्छा लगा। जो रेत माफियों ने सरकार गिराई वो बीजेपी के वालों की चाल थी। आज भी जो ओपीएस का जो प्रचार कर रहे हैं लोग, समर्थन लोग हैं, वो सिर्फ रेत माफिया और उनके पीछे जो पैसे वाले लगे हुए हैं वो, और कांग्रेस का हरेक कार्यकर्ता बूथ पे अच्छी तरीके से, जिस तरीके से ओपीएस को 28,000 वोटों से जीत के पहुंचाया था, उसकी बार अब की बार कांग्रेस का जो भी कैंडिडेट आएगा उसे 35,000 वोटों से जिता के पहुंचाएंगे। कांग्रेस जिंदाबाद। नहीं, इसने अभी तक कैंडिडेट भी तो डिक्लेयर किया नहीं है। कांग्रेस पार्टी जीतेगी? कांग्रेस, सुनो क्या होता है, कांग्रेस का जो हाईकमान है कमलनाथ जी, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी एक सर्वे हुई, दो सर्वे हो चुकी हैं, तीसरी सर्वे आपको इसी हफ्ते के अंदर आने वाली है, 20 या 25 तारीख के बीच में। उसमें आपको डिक्लियर जो 35 लोगों को नाम गए हैं लिस्ट में, उसमें से क्लियर हो गए, किसी का फाइनल हो जाएगा 25 तारीख। बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, और कांग्रेस का पक्षपात कर रहे हैं, इससे ये प्रतीत होता है कि आप कांग्रेस के नेता हैं। क्या आप बताएंगे कि आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं क्या? कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, अभी प्रेजेंट में ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं। क्या नाम है आपका? आरिफ खान। इन लोगों का तो कहना है कि कांग्रेस पार्टी जीतेगी, लेकिन जहाँ जीते रहती है वहाँ जहाँ तो बीजेपी। आप किस किस लेवल से और किस हिसाब से चुनाव जीतेगी बीजेपी? बीजेपी सुबह शाम से जीतेगी, ये श्याम दंड वेद सुबह से। अच्छा, जिस तरह सरकार बनाई, बढ़िया ही कहेगा, नहीं सरकार बनाई तो जीतेगी, चुनाव जीतेगी जी। आज चुनावी मैंने चुनावी चौपाल से आपको ग्रामीणों से, गोरमी ग्रामीणों से अवगत कराया, इसके लिए मैं गोरमी ग्रामीणों को धन्यवाद देता हूं। बीबीसी 24 संवाददाता।